सिर्फ चटका मारा, तमाचा नहीं मारा, मतलब चांस है। सुनिए क्या है आपका नाम? तुमसे मतलब? मतलब मैं यहाँ एक फिल्म बनाने आया हूँ जिसके लिए मुझे एक कलेजा फारू हीरोइन की जरूरत है। मेरी फिल्म में काम करोगी? सच? तुम फिल्म बना रहे हो? हाँ, इश्क पे, मोहब्बत पर। कहानी तुम्हारे ऊपर शुरू होती है और तुम्हारे ऊपर ही खत्म हो जाती है। बोल, कौन है ये जिसके साथ अंग से अंग लगा के तू बात कर रही थी? कोई अजनबी है, कहता फिल्म बनाने आया हूँ। फिल्म बनाने आया है या तेरी फिल्म उतारने आया है? हराम खोर! अरे ओ पहलवान, जरा आहिस्ता, नाजुक लड़की है, टूट जाएगी। तू कौन है? हुस्न का पुजारी हूँ, खूबसूरती का आशिक हूँ, मजनू के रिश्ते से लैला का ताबेदार हूँ। चलो श्री, प्रहार तुम्हें लेना आया है। चल मेरी लैला, अपने मजनू के साथ ले लो, ले लो। थैंक यू। रिटेर यार। इजाजत के बगैर बाहर गए, लौंडिया का पीछा किया। अरे क्या यार, बात करने दे। जब तुमने गुड़ खाया है जी भर के, तो बेटे जरा अचार का मजा भी सॉरी ले लो। लेकिन लेकिन अरे लेकिन क्या आगे तो बोले दे यार। भाई साहब, मदद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे ये बोलते हैं बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए, मदद तो किसी शरीफ आदमी करनी चाहिए ना। जी हाँ। ये बोलते हैं किसी शरीफ आदमी क्या?
के भाई पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हमें शेरा का पता कैसे चलेगा? वो भागेगा तभी शेरा का पता चलेगा। जिसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है, कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी तीन लोग कहां गायब हो गए? भीमा! जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है। जा
चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे चार आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। कहाँ है तीनों? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बता, वो तीन आदमी कौन थे जिन्होंने हमारे आदमी को जख्मी किया? सामने की पहाड़ी पे शेरा काटता है जिसके चारों तरफ उसके आदमियों का सख्त पहरा है। अगर हम सामने के रास्ते से गए तो उसके आदमी हमें गोलियों से भून के रख देंगे, इसलिए कि उनके पास लेटेस्ट हथियार है। इसका मतलब है शेरा की पीठ पर देशद्रोहियों का हाथ है। अब क्या करेंगे? देखो, जहां जिस्म की ताकत कम पड़ती नजर आए वहां दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। सुनो कासिम, करण तुम भी सुनो, हमें कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चलो। करण, करण। आजम भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। तेरी नींद की जात का भुरता मारो उल्लू के पट्टे, बंदर छाप साले, कभी कभी काम की बात भी सुन लिया कर। कौन से काम की बात यार? देख मैं, शेरा के पास लाखों का माल है। वो माल अगर हमारे हाथ आ गया ना तो हम लखपति बन जाएंगे। लेकिन ये माल हमें मिलेगा कैसे? अरे वो बंदर छाप, सीधी सी बात है, शेरा के अड्डे पे जब हम दयाल की पोती को छुड़ाने जाएंगे ना, उसी दौरान शेरा का हम सारा माल हथिया लेंगे। हप! नहीं। अनीता? अनीता, तुम यहां इस वक्त? मैं अपनी बहन को बचाने आई हूँ। जब तक सीमा शेरा की कैद से रिहा नहीं हो जाती, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। तुम क्या समझे हम तीन आदमी से बचा नहीं सकेंगे? हम बेकार हैं, वापस जाओ यहाँ से तुम। अमर, तुम भी कमाल करते हो यार। शेरा के आदमी इस जंगल के चारों तरफ फैले हुए हैं, ये अकेली लड़की, खुदा न खास्ते रास्ते में अगर इसे कुछ हो गया तो। ओके, लेट्स गो। भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बुरा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बुरा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं।
बोलो। मैं बूढ़ा हूँ। तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बूढ़ा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए, फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका बस भला बस बस, हमें दुआएं मत दो। हम भगवान भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब पौना मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है, ऐसी ही एक दर्जन और खरीद लो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता।